भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, यह चिरकाल की वार्ता तुमसे कही है। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान की भांति अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जिससे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ और यह आलय, शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुए। अब तो जो कुछ संशय हो तो पूछो, मैं कहूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर उसने मेरा भली प्रकार अर्घपाद्य से आदर सहित पूजन किया। तब मैंने उससे कहा, हे पक्षियों के ईश्वर, तुम्हारे वे भाई कहाँ हैं जो तुम्हारे समान तत्ववेत्ता थे? वे तो नहीं देख पड़ते, अकेले तुम ही दिखते हो। भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, यहाँ मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात व्यतीत हो जाते हैं, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल वे मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृण की भांति तनु त्याग कर शिव आत्म पद को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बलि हो अथवा ऐश्वर्यवान हो, काल सबको ग्रस लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधो, जब प्रलय काल आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ से तुम खेदयुक्त क्यों नहीं होते? भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, कई जीव जगत के आधार से रहते हैं और कई निराधार रहते हैं। जिनके सेना आदि ऐश्वर्य के पदार्थ होते हैं वे आधार सहित हैं, और जो इन पदार्थों से रहित हैं वे निराधार हैं। पर दोनों को हम तुच्छ देखते हैं, सत कोई नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बलि भी हैं, परंतु सत्य कोई नहीं। उनमें पक्षी की जाति महातुच्छ है। उनका उजाड़ वन में निवास है और वहीं उनका दाना पानी है। ये निरालंब या बेसहारे हैं और उनकी जीविका दैव ने ऐसे ही बनाई है। हे भगवन, मैं तो सदा सुखी हूँ और अपने आप में स्थित आत्मसंतोष से तृप्त हूँ। कदापि इस जगत के क्षोभ से खेद को नहीं प्राप्त होता और स्वभाव मात्र में संतुष्ट और कष्ट चेष्टा से मुक्त हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं केवल काल को व्यतीत कर रहा हूँ और जगत के इष्ट अनिष्ट मुझको विचलित नहीं कर सकते। न मरने की मुझको इच्छा है और न जीने की, क्योंकि जीना और मरना शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। मुझे जीने का राग नहीं और मरने में द्वेष नहीं। जैसी अवस्था प्राप्त हो उसी में संतुष्ट हूँ। हे मुनीश्वर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मेरे मन की चपलता जाती रही है। मैं इस कल्प वृक्ष पर बैठा हूँ जिसमें रत्नों की बेल लगी है। इस पर बैठकर मैं प्राण अपान की गति को देखता हूँ। इनकी कला की जो सूक्ष्म गति है उसका मैं ज्ञाता हूँ, और दिन रात्रि का मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सतबुद्धि से मैं काल को जानता हूँ और सार असार को भी भली प्रकार जानता हूँ। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार भासित होता है वह सब झूठ है, सत कुछ नहीं। इसी कारण मुझे किसी दृश्य पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं परम उपशम पद में स्थित हूँ और सब जगत भी मेरे लिए शांत रूप है। जो कोई इस जगत जाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता। यह सब जगत चंचल है और स्थिर कदापि नहीं होता। इसकी अवस्था में मैं पत्थर सा अचल हूँ। न किसी का मुझे राग फुरता है और न द्वेष है, न मैं किसी की इच्छा करता हूँ। सब जगत मुझको तुच्छ भासित होता है। यह सब भूत रूपी नदियाँ काल रूपी समुद्र में जा पड़ती हैं, पर हम किनारे खड़े हैं, इससे कदापि नहीं डूबते। और जितने जीव हैं वे डूब जाते हैं, पर कई एक तुम जैसे उससे निकले हुए हैं। तुम्हारी कृपा से हम भी निर्विकार पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, मैं निर्विकार और सब जगत के क्षोभ से रहित हूँ और आत्म पद को पाकर उपशम रूप हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की भांति आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को न प्राप्त हो? अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं।
हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वे ही हैं जिनकी आरंभ में रमणीय सब इच्छाएं निवृत्त हुई हैं, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान हैं, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ हैं, उनकी द्वैत कलना नहीं रही, वे सदा आत्मानंद में स्थित हैं। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी कमल के भौंरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही देख पड़े हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध कोमल और आत्मरस से पूर्ण हृदय गम्य और उचित हैं। तुम्हारा हृदय महागंभीर उदार धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है, इसलिए तुम सबसे उत्तम मुझको दिखते हो। तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख नष्ट हैं और आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तुम जैसे संतों का संग आत्मपद को प्राप्त कराता है, उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे संत महात्म वर्णन नाम सप्तदश सर्गः। भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, तुमने जो पूछा था कि सूर्य वायु और जल को क्षोभ होता है, तो तुमको क्षोभ क्यों नहीं होता, उसका उत्तर दो। जब जगत को क्षोभ होता है, तब भी मेरा यह कल्प वृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, यह मेरा वृक्ष सब प्राणियों के लिए अगम्य है। प्राणी नष्ट होते हैं, तब भी मैं सुखी रहता हूँ। जब हिरण्याक्ष द्वीपों सहित पृथ्वी को समेट कर पाताल ले गया था, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, तब और सब पर्वत चलायमान हुए, पर मेरा वृक्ष स्थिर रहा। जब क्षीर समुद्र के मथने के निमित्त विष्णु जी सुमेरु को भुजा से उखाड़ने लगे, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। तब वह मंदराचल को ले गए और उससे क्षीर समुद्र को मथने लगे। प्रलय काल के पवन और मेघ को क्षोभ हुआ, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। फिर एक दैत्य आकर सुमेरु को उखाड़ने लगा और उसने कुछ उखाड़ा भी, परंतु मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। हे मुनीश्वर, जब बड़े बड़े उपद्रव हुए और प्रलय काल के मेघ पवन और सूर्य तपे, तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने उससे पूछा कि हे साधो, जब प्रलय काल के वायु और मेघ क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब तुम विगत ज्वर कैसे रहते हो? भुशुंड जी ने कहा, हे साधो, जब प्रलय काल के वायु मेघादिक क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब मैं कृतघ्न की भांति अपने आलय को त्याग कर सब क्षोभ से रहित आकाश में स्थित होता हूँ और सब अंगों को समेट लेता हूँ। जैसे वासना को रोकने से मन सकुच जाता है, वैसे ही मैं भी अंग को समेट लेता हूँ। हे मुनीश्वर, जब प्रलय काल का सूर्य तपता है, तब मैं जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूँ। जब वायु चलती है, तब पर्वत की धारणा बांधकर स्थित हो जाता हूँ। जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है, तब सबको त्याग कर ब्रह्मांड के पार जो निर्मल परम पद है, वहाँ मैं सुषुप्त सा अचल गंभीर हो जाता हूँ। जब ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि रचते हैं, तब मैं सुमेरु के वृक्ष पर इसी आलय में स्थित होता हूँ। फिर मैंने पूछा, हे पक्षियों के ईश्वर, जैसे तुम अखंड स्थित होते हो, वैसे ही और योगीश्वर क्यों नहीं स्थित होते? भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, परमात्मा की यह नीति किसी से नहीं नाघी जाती। उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार बनाई गई है और मेरी उत्पत्ति इसी प्रकार है। ईश्वर की नीति अतुल है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। जहाँ जैसी नीति बनी है, वहाँ वैसी ही है, अन्यथा किसी से नहीं होती। मुझको इसी प्रकार है कि कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्ष पर मेरा आलय होता है और मैं आकर निवास करता हूँ।
वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षियों के नायक, तुम्हारी अत्यंत दीर्घ आयु है। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न योगेश्वर हो। तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें जो स्मरण हो उन्हें कहो। भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा याद आता है कि एक बार पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ न था। फिर एक बार एकादश सहस्त्र वर्ष पर्यंत भस्म ही भस्म देख पड़ती थी। जो वृक्ष और तृण थे सब जल गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें चंद्र और सूर्य न उपजे और दिन और रात्र की गति कुछ जानी न जाती थी, पर कुछ सुमेरु के रत्नों का प्रकाश होता था। एक कल्प ऐसा हुआ कि जिसमें देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था। जब दैत्यों की जीत हुई तो उन्होंने सब देवताओं को मनुष्यों की भांति मार डाला। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं के सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और 20 युग पर्यंत उन्हीं की आज्ञा चली। एक बार ऐसा स्मरण आता है कि 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ सृष्टि न थी। एक बार 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत सघन हो रहे थे और कुछ न था। एक बार ऐसा हुआ कि सब जल ही जल हो गया और कुछ न देख पड़ता था। केवल सुमेरु पर्वत खंभे की भांति खड़ा था। एक बार अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा से आए, तब विंध्याचल पर्वत बढ़ा और उसने सब ब्रह्मांड चूर्ण कर दिया। हे मुनीश्वर, बहुत कुछ स्मरण है, परंतु संक्षेप में सुनो। एक समय सृष्टि में मनुष्य देवतादिक कुछ न देखते थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे, शूद्र बड़े हो बैठे थे और सब जीवों के धर्म उलट पलट गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि स्मरण आती है कि पृथ्वी में कोई पर्वत न देख पड़ता था। एक बार ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई न उपजा। एक सृष्टि ऐसी हुई कि सभी उपजे। एक सृष्टि ऐसी हुई कि उसमें स्वामी कार्तिक नहीं उपजे। दैत्य बढ़ गए और दैत्यों का ही राज्य हो गया। मुझको बहुत स्मरण है, कहाँ तक कहूँ। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपालों के बहुत जन्म मुझको स्मरण हैं। जब हिरण्याक्ष जो वेदों को चुरा ले आया था, हरि ने मारा था, वह भी स्मरण है। और क्षीर समुद्र मथना भी स्मरण है। ऐसी सृष्टि भी देखी है जिसमें विष्णु जी का वाहन गरुण नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हंस वाहन के बिना और रुद्र बैल वाहन के बिना हुए हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ देखा है, क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करूं। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुशुंड्युपाख्याने जीवित वृतांत वर्णन नाम अष्टादश सर्गः। भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, जब फिर सृष्टि उत्पन्न हुई तब तुम भारद्वाज, पुलत्स्य, नारद, इंद्र, मरीच, उद्दालक, क्रतु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भार्गवेश आदि उपजे। फिर सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत उपजे। अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि इत्यादि तो अल्पकाल के उपजे हैं। हे मुनीश्वर, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और तुम्हारे 8 जन्म मुझको स्मरण हैं। कभी तुम आकाश से उपजते हो और कभी जल से उपजे, कभी पहाड़ से उपजे, कभी पवन से उपजे और कभी अग्नि से उपजे हो। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र में डालकर जब देवता और दैत्य मथने लगे, तब उन्हें क्षोभ हुआ कि मंदराचल नीचे चला जाता है। तब विष्णु जी ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को रोका और सागर से अमृत निकाला था। यह घटना मुझको 12 बार स्मरण आती है। 3 बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में समेट ले गया था और 6 बार परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए हैं। यह सृष्टि के बहुत पीछे हुए हैं। जब क्षत्रियों में दैत्य उपजने लगे तो उनके नाश निमित्त विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई जिसमें शास्त्र और पुराणों के अर्थ पहले के विपरीत उल्टे लगाए जाने लगे। एक कल्प में शास्त्र के और ही पाठ, और ही युक्ति, और ही अर्थ हुए, क्योंकि युग युग प्रति और ही पुराण होते हैं। किसी को देवता बनाते हैं और किसी को ऋषीश्वर मुनीश्वर कहते हैं। कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण है। वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण बनाई और विलय हो गई। व्यास जी ने 2 बार महाभारत बनाई और उन्होंने 7 बार अवतार लिया है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो जो हुए हैं वे सब मुझको अच्छी तरह स्मरण हैं।
हे साधो, दैत्यों के मारने के निमित्त विष्णु जी युग युग प्रति अवतार लेते हैं। मुझको एकादश बार राम जी स्मरण आते हैं। वसुदेव के गृह में पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त कृष्ण जी ने 16 बार अवतार लिया है, सो भी मुझको स्मरण है। 3 बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को मारा है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण हैं, परंतु सभी भ्रम मात्र हैं, कोई उपजी नहीं। जब आत्म तत्व मैं देखता हूँ तब कोई सृष्टि नहीं भासती, सब सत्ता मात्र है। जैसे जल में बुलबुले उपजकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में मन के फुरने से अनेक सृष्टि उपजती है और लीन हो जाती है। उस स्फुरण से मैंने कई सृष्टि देखी है, कोई सदृश ही उपजी है, कोई अर्ध सदृश और कोई विपर्य रूप है। हे मुनीश्वर, किसी किसी सृष्टि में एक से ही आकार और कर्म आचार होते हैं। मनवंतर मनवंतर प्रति कोई और ही सृष्टि होती है। किसी में ऐसा होता है कि पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, बांधव अबांधव और अबांधव बांधव हो जाते हैं। इस प्रकार भी विपर्य होते देख पड़े हैं। कभी इसी कल्प वृक्ष पर मेरा घर होता है, कभी मंदराचल में, कभी हिमालय पर्वत में और कभी मालव पर्वत में होता है। इसी प्रकार कभी वन वृक्ष और बेलों पर होता है और कभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर होता है। पर अब तो बहुत काल से इसी कल्प वृक्ष पर रहता हूँ। जब सृष्टि का नाश हो जाता है तब भी मेरा यही शरीर रहता है। मैं आसन लगाकर अपने पुर्यष्टक को ब्रह्म सत्ता में स्थिर करता हूँ, इसी कारण मुझको फिर यही शरीर प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही आगे भासित होता है। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, केवल भ्रम रूप है। इस भ्रममय जगत प्रपंच में अनेक आश्चर्य देखे जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। कभी कलयुग में सतयुग और कभी सतयुग में कलयुग बरतने लगता है। कभी द्वापर में त्रेता और त्रेता में द्वापर बरतता है। कभी वेद विद्या के अर्थ अदृश्य ही होते हैं और नाना प्रकार के आश्चर्य भासित होते हैं। हे मुनीश्वर, जब इन युगों की 1,000 चौकड़ी व्यतीत होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक बार 2 दिन तक ब्रह्मा समाधिस्थ रहे और सृष्टि शून्य हो रही, यह भी स्मरण है। और भी कई देश क्रिया आदि विचित्र रूप स्मरण आते हैं। क्या क्या कहूँ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चिरातीत वर्णन नाम ऐकोन विन सततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जब भुशुंड जी ने कहा तब मैंने फिर जिज्ञासा से पूछा कि हे पक्षियों के ईश्वर, तुम तो चिरकाल पर्यंत जगत में व्यवहार करते रहते हो, तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु ने किस कारण नष्ट नहीं किया। भुशुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, तुम सब जानते हो परंतु ब्रह्म जिज्ञासा के कारण पूछते हो, इसलिए जैसे विद्यार्थी वेदार्थ पढ़कर फिर गुरु के आगे दोहराते हैं वैसे ही मैं आज्ञा मानकर कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मृत्यु किसको मारती है और किसको नहीं मारती, सो सुनो। दुख रूपी मोती वासना रूपी सूत से पिरोए हैं। यह माला जिसके हृदय रूपी गले में पड़ी हुई है उसको मृत्यु मारती है। जिसके कंठ में यह माला नहीं पड़ी उसको मृत्यु नहीं मारती। शरीर रूपी वृक्ष में चित्त रूपी सर्प बैठा है। आशा रूपी अग्नि जिस वृक्ष को नहीं जलाती वह मृत्यु के वश नहीं होता। जिसका राग द्वेष रूपी विष से पूर्ण चित्त रूपी सर्प तृष्णा से चूर्ण होता है और लोभ रूपी व्याधि से नष्ट होता है उसी को मृत्यु मारती है और ग्रस लेती है। जिसको इनका दुख नहीं स्पर्श करता उसको मृत्यु भी नहीं नष्ट करती। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी समुद्र क्रोध रूपी बड़वाग्नि से जलता है। जिसको क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाती उसको मृत्यु भी नहीं मारती। जिसका मन परम पावन और निर्मल पद में दृढ़ विश्रांत और स्थित हुआ है उसका नाश मृत्यु नहीं करती। हे मुनीश्वर, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह भय तृष्णा चिंता चंचलता अभिमान प्रमाद इत्यादि दुख होते हैं उसको मृत्यु मारती है। और जिसको संसार बंधन का कारण काम क्रोध लोभादिक रोग बांध नहीं सकते और जो इनसे लिप्त नहीं होता उसको आदि व्याधि रूपी मल नहीं स्पर्श करता।
जो मनुष्य लेता है देता है वह सब कार्य करता है, पर जिसके चित्त को अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता उसको समाहित चित्त कहते हैं। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ ऐश्वर्य सूचक सुंदर पदार्थ हैं वे सब असत रूप हैं। पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग में गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, देवता और उनकी स्त्रियां और सुरों की सेना आदि सब नाशवान हैं। मनुष्य, दैत्य, देवता, असुर, पहाड़, सरोवर, नदियां, जो कुछ बड़े पदार्थ हैं वे सभी नाशवान हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जो कुछ भोग हैं वे सब असत और अशुभ हैं। कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्यों का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाक्रम वर्णन करना श्रेष्ठ है, न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है, न इस त्रिलोकी में और कोई पदार्थ श्रेष्ठ है। जहाँ संत का मन स्थित है वही श्रेष्ठ है। यह नाना प्रकार का जगत क्रम चल है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे मूढ़ होकर चल पदार्थ में नहीं मरते और बहुत जीने की इच्छा भी नहीं करते। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुशुण्ड्युपाख्याने संकल्प निराकरण नाम 20वां सर्ग। भुशुण्ड जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सब दुख नष्ट होते हैं और परम पद प्राप्त होता है। वह आत्मचिंतन सब दुखों का नाशक है। वह चिरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के श्रम को दूर करता और तपन मिटाता है। अनर्थकारिणी समस्त दुखों की खान अविद्या को यह आत्मचिंतन नष्ट करता है। जैसे अंधकार को प्रकाश नष्ट करता है, वैसे ही यह जीव के हृदय में शीतल प्रकाश उपजाता है। हे भगवन, सब संकल्पों से रहित ऐसा आत्मचिंतन है। तुम जैसों को सुगम है और हम जैसों को कठिन है, क्योंकि वह समस्त कलना से अतीत है। हे मुनीश्वर, उस आत्मचिंतन की और भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सब ताप मिट जाएं और परम शांति प्राप्त हो। उनमें से मुझको एक सखी प्राप्त हुई है, वह सब दुखों का नाश करती है, सब सौभाग्य देने वाली और जीने का मूल है। उसका नाम प्राणचिंतन है। हे राम, जब काक भुशुण्ड जी ने इस प्रकार मुझसे कहा, तब मैंने जान कर भी क्रीड़ा के निमित्त फिर उनसे पूछा कि हे सब संशयों के निवृत्त करने वाले चिरंजीवी पुरुष, सच कहो, प्राण चिंता किसे कहते हैं? भुशुण्ड जी बोले, हे सब वेदांत के ज्ञाता और सब संशयों को मिटाने वाले, मेरे उपहास के निमित्त तुम मुझसे यह पूछते हो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुमसे शिष्य की भांति कहता हूँ, क्योंकि गुरु के आगे कहना भी कल्याण के निमित्त है। मेरे चिरजीवन का कारण और मुझको आत्मलाभ देने वाली प्राण चिंता ही है। हे भगवन, इसी सृष्टि का आश्रय लेकर मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मुझको बंधन नहीं होता, सब अवस्थाओं में बैठते, चलते, जागते, सोते सब ठौर मेरा चित्त सावधान रहता है। इस कारण मुझे कोई बंधन नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैंने प्राण और अपान के संसरण की गति पाई है। उस युक्ति से मुझको आत्मबोध हुआ है और उस बोध से मेरे मद, मोहादिक सब विकार नष्ट हो गए हैं और मैं शांत रूप होकर स्थित हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त हुई है, वह चाहे सब आरब्ध कर्म करे अथवा सबका आरंभ त्याग करे, परंतु सदा शांत रूप रहता है। उसका काल सुख से व्यतीत होता है। हे मुनीश्वर, अब प्राण अपान का संसरण कहता हूँ, सुनो। प्राण हृदय से उपजकर द्वादश अंगुल पर्यंत बाहर जाता है और वहाँ जाकर स्थित होता है। फिर उस स्थान से अपान रूप हो हृदय में आकर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाहर आकाश के सम्मुख जो प्राण जाता है वह अग्नि सा उष्ण होता है और जो हृदयाकाश के सम्मुख आता है वह शीतल नदी के प्रवाह सा आता है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर से भीतर आता है, और जो प्राण भीतर से बाहर जाता है वह अग्नि, उष्ण और सूर्य रूप है। प्राण वायु हृदयाकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है
और अपान हृदय को चंद्रमा की तरह शीतल करता है। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहाँ तत्व है लीन होता है, तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता, और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है, उस अवस्था में स्थित हुआ मन फिर जन्म का भागी नहीं होता। हे मुनीश्वर, सूर्य रूपी प्राण अपने सूर्य भाव को त्याग कर अपान रूपी चंद्रमा को जब तक नहीं प्राप्त हुआ, उस अवस्था के देश काल को विचारे तो फिर शोक नहीं पाता और सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। द्वादश अंगुल पर्यंत जो आकाश है उससे अपान रूपी चंद्रमा उपजकर हृदय के प्राण रूपी सूर्य में लीन होता है, पर सूर्य भाव को जब तक नहीं प्राप्त होता, उस मध्य भाव की अवस्था में जिसका मन लगा है वह परम पद को प्राप्त होता है। हृदय में चंद्रमा और सूर्य के अस्त और उदय होने का ज्ञाता और इसका आधारभूत जो आत्मा है उसको जानकर फिर मन नहीं उपजता। हे मुनीश्वर, प्राण और अपान रूपी जो सूर्य और चंद्रमा हृदयाकाश में उदय और अस्त होते हैं, उनके प्रकाश से हृदय में जो भास्वर देव हैं उसको जो देखता है वही यथार्थ में देखता है। बाहर सूर्य कभी प्रकाश और कभी अंधकार करता है, उस प्रकाश के उदय और तम के क्षीण होने से कुछ सिद्ध नहीं होता। जब हृदय का तम दूर होता है तभी परम सिद्धता प्राप्त होती है। बाहर का तम नष्ट होने से लोकों में प्रकाश होता है, और हृदय का तम नष्ट होने से आत्म प्रकाश का उदय और अज्ञान अंधकार का अभाव होता है। उसी प्रकाश में परम पद को जानकर जीव मुक्त होता है। प्राण अपान की युक्ति जानने से तम नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, प्राण अपान रूपी जो चंद्रमा और सूर्य हैं, वे यत्न बिना उदय और अस्त होते हैं। जब प्राण रूपी सूर्य हृदय कोट से उपजकर बाहर आ जाता है, तब उसी क्षण अपान रूपी चंद्रमा में लीन होता है और अपान रूपी चंद्रमा उदय हो आता है। और जब अपान रूपी चंद्रमा हृदय कोट के प्राणवायु रूपी सूर्य में स्थित होता है, तब उसी क्षण में प्राण रूपी सूर्य उदय होता है। प्राण के अस्त होने पर अपान का उदय होता है, और अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है। जैसे छाया के अस्त होने पर धूप निकलती है और धूप के अस्त होने पर छाया प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान की गति है। हे मुनीश्वर, जब हृदय कोट से प्राण का उदय होता है, तब प्राण का रेचक और अपान का पूरक होने लगता है, और जब प्राण अपान में स्थित होता है तब अपान का कुंभक होता है। उस कुंभक में जब स्थिति होती है तब फिर तीनों ताप नहीं तपाते। जब अपान का रेचक होता है तब प्राण का पूरक होने लगता है, और जब अपान जाकर स्थित होता है तब प्राण का कुंभक होता है। उसमें जब मन स्थित होता है तब भी तीनों तापों से तप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, प्राण अपान के भीतर जो शांत रूप आत्म तत्व है उसमें जब स्थिति होती है तब मन तप्त नहीं होता। जब अपान आकर स्थित होता है और प्राण का उदय नहीं हुआ होता, उस अवस्था में जो साक्षी भूत सत्ता है वह आत्म तत्व है, उसमें जब स्थिति होती है तब फिर वह साधना कठिन नहीं होती। जब अपान के स्थान में प्राण जाकर स्थित होता है और अपान जब तक उदय नहीं हुआ होता, वहाँ जो देश काल अवस्था है उसमें जब मन स्थित होता है तब मन का मनत्व जाता रहता है और फिर नहीं उपजता। हे मुनीश्वर, प्राण जब अपान में स्थित हुआ होता है और अपान का उदय नहीं हुआ होता, वह कुंभक है। अपान जब प्राण में स्थित हुआ और प्राण का जब उदय नहीं हुआ, उस कुंभक में जो शांत तत्व है वह आत्मा का स्वरूप शुद्ध और परम चैतन्य है। जो उसको प्राप्त होता है वह फिर शोकयुक्त नहीं होता। जैसे पुष्प में गंध से प्रयोजन होता है, वैसे ही प्राण अपान के भीतर जो अनुभव तत्व स्थित है उससे प्रयोजन है। वह न प्राण है न अपान, उस अनुभव स्वरूप आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। प्राण अपान कोट में क्षय को प्राप्त होता है और अपान प्राण कोट में क्षय को प्राप्त होता है। उस प्राण अपान के मध्य में जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं।
हे मुनीश्वर, जो प्राण का प्राण, अपान का अपान, जीव का जीव और देह का आधार भूत है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं, जिसमें सर्व है, जिससे यह सर्व है और जो यह सर्व है, ऐसा जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं, जो सब प्रकाशों का प्रकाश है, सब पावनों का पावन है और सब भाव अभाव पदार्थों का अपना आप है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जो पावन परस्पर हृदय में संपुट रूप है, उसमें स्थित जो साक्षी रूप और भीतर बाहर सब जगह है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जब अपान अस्त हुआ और प्राण नहीं उपजा, उस क्षण में जो कलंक से रहित है, उस चैतन्य तत्व की हम उपासना करते हैं। जब प्राण अस्त हुआ और अपान नहीं उपजा, ऐसा जो नासिका के अग्रभाग में शुद्ध आकाश है और उसमें जो सत्यता है, उस चित सत्ता की हम उपासना करते हैं। जो प्राण अपान की उत्पत्ति का स्थान है, भीतर बाहर सब ओर व्याप्त और सब योग कला का आधार भूत है, उस चित तत्व की हम उपासना करते हैं। जो प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और शक्ति का शक्ति रूप है, उस चित तत्व की हम उपासना करते हैं। हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण कला कलंक से रहित है और सब कला जिसके आश्रय में है, ऐसा जो अनुभव तत्व है और सब देवता जिसकी शरण को प्राप्त होते हैं, उस आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुसुंडियोपाख्याने समाधि वर्णन नाम एक विंशतितम सर्गः। भुसुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने प्राण समाधि प्राप्त की है और इस क्रम से मैं आत्मपद को पहुंचा हूँ। इसी निर्मल दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हूँ और एक पल भी इससे चलायमान नहीं होता। सुमेरु पर्वत की भांति स्थित हूँ और चलता हुआ भी स्थित हूँ। जागृत में, सुषुप्ति स्वप्न में स्थित हूँ और सर्वदा आत्म समाधि में लगा रहता हूँ। विक्षेप कभी नहीं होता। हे मुनीश्वर, नित्य अनित्य भाव से जो जगत स्थित है, उसको त्याग कर मैं अंतर्मुख अपने आप में स्थित हूँ। प्राण अपान की कला जो तुम्हारे सामने कही है, उसका सदा ऐसे ही प्रवाह चला जाता है। उसमें मेरी अन्यत्र समाधि है, इससे मैं सदा सुखी रहता हूँ, कुछ कष्ट नहीं होता। जिसको यह कला नहीं प्राप्त हुई, वह कष्ट नहीं पाता है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव महाप्रलय पर्यंत संसार समुद्र में गोते खाते हैं, उभरकर फिर डूबते हैं और इसी प्रकार गोते खाते रहते हैं। जिन पुरुषों ने पुरुषार्थ करके आत्मपद पाया है, वे सुख से विचरते हैं। हे मुनीश्वर, भूतकाल की मुझको चिंता नहीं और भविष्य की इच्छा नहीं, वर्तमान में यथा प्राप्त राग द्वेष से रहित होकर विचरता हूँ। मैं सुषुप्त की तरह स्थित हूँ, इससे केवल स्वरूप में भाव अभाव पदार्थों से रहित हूँ और इसी कारण चिरंजीवी हो दुख से रहित हूँ। प्राण अपान की कला को शांत करके स्वरूप में स्थित हूँ। आज यह कुछ पाया है और कल यह पाऊंगा, यह चिंता मेरी दूर हो गई है, इसी कारण दुख रहित होकर जीता हूँ। न किसी की प्रशंसा करता हूँ और न किसी की निंदा करता हूँ, सब आत्मस्वरूप देखता हूँ, इसी कारण सुखी जीता हूँ। मुझे इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक नहीं होता। मैंने परम त्याग किया है, सर्वत्र आत्मभाव देखता हूँ और मेरा जीव भाव दूर हो गया है, इसी कारण दुख रहित जीता हूँ। हे मुनीश्वर, मेरे मन की चपलता मिट गई है और राग द्वेष दूर हो गए हैं, मन शांत हुआ है, इस कारण अरोग जीता हूँ। मैं काष्ठ, सुंदर स्त्री, पहाड़, तृण, अग्नि और सुवर्ण को सम देखता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं जरा मरण के दुख और राज लाभ के सुख और शोक से रहित समभाव में स्थित हूँ और दुख रहित जीता हूँ। ये मेरे बांधव हैं, ये अन्य हैं, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह सब कलना मुझको नहीं, इसी से सुखी जीता हूँ। आहार व्यवहार करता, बैठता, चलता, सूंघता, स्पर्श करता और श्वास लेता हूँ, परंतु यह जो अभिमान है कि मैं देह हूँ, इस अभिमान से रहित हो सुखी जीता हूँ। इस संसार की ओर से मैं सुषुप्त रूप हूँ और इस संसार की गति को देखकर हंसता हूँ कि वास्तव में यह है ही नहीं, इस कारण शांति से जीता हूँ।
हे मुनीश्वर, मैं सब कालों में सब प्रकार सभी पदार्थों में समबुद्धि हूँ। विषमता मुझको नहीं भासित होती, न किसी से सुखी होता हूँ न दुखी। जैसे हाथ फैलाइए तो भी शरीर है और सिकोड़िए तो भी शरीर है, इसी प्रकार मैंने सर्वात्मा को जाना है। इसी से मुझको कोई दुख नहीं। मेरी बोली और निश्चय स्निग्ध कोमल और सबको हृदय गम्य है। सर्वत्र इसी दृष्टि के कारण मैं दुख रहित जीता हूँ। चरण से मस्तक पर्यंत देह में मुझको ममता नहीं है। अहंकार रूपी कीच से मैं निकल गया हूँ, इस कारण अरोग जीता हूँ। मैं कार्य करता और भोजन करता भी देख पड़ता हूँ, परंतु मेरे मन में दृढ़ निष्कर्मता है। हे मुनीश्वर, सामर्थ्य करके कार्य करूं तो भी मुझको अभिमान नहीं, और दरिद्री हूं तो भी संपत्ति और सुख की इच्छा नहीं, अर्थात किसी से आसक्त नहीं होता। इस असत रूप शरीर का नाश होने पर भी अभिमान नष्ट नहीं होता। भूतों का समूह सब असत रूप है, केवल आत्मा सत रूप है, ऐसा जानकर मैं स्थित हूँ। आशा रूपी फांसी से मेरे मुक्त चित्त की वृत्ति समाहित हुई है, मुझे अनात्मा में आत्मा अभिमान की वृत्ति नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, मैंने जगत को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य, और हाथ में रखे बिल्व फल सा प्रत्यक्ष जाना है। इस जगत में मैं सुषुप्त प्रबुद्ध हूँ। सुख पाकर मैं सुखी नहीं होता और दुख पाकर दुखी नहीं होता। सबका परम मित्र हूँ, इसी कारण मैं दुख रहित जीता हूँ। आपदा में अचल चित्त हूँ, संपदा में सब जगत का मित्र हूँ, और भाव अभाव से ज्यों का त्यों हूँ, इस कारण सदा सुखी जीता हूँ। न मैं परिच्छिन्न अहम हूँ, न मेरी दृष्टि में कोई अन्य है, न कोई मेरा है, न मैं किसी का हूँ। यह भावना मेरे चित्त में दृढ़ है। मैं जगत हूँ, मैं ही आकाश देश काल क्रिया सब हूँ, मुझे यह दृढ़ निश्चय है। घट भी चैतन्य है, पट भी चैतन्य है, रथ भी चैतन्य है, और यह सब प्रपंच चैतन्य तत्व है, यह मुझको दृढ़ निश्चय है। इसी कारण दुख रहित जीता हूँ। हे मुनि शार्दूल, यह सब मैंने जो तुमसे कहा, सो भुसुंड नामक काक ने जो त्रिलोकी रूप कमल का भौंरा है मुझसे कहा था। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुसुंडियोपाख्याने चिरंजीवी हेतु कथनम नाम द्वाविंशतितमः सर्गः। भुसुंड जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा मैं हूँ सो तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, नहीं तो गुरु के आगे कहना भी ढिठाई है। तुम ज्ञान के पारगामी हो। फिर मैं बोला, हे भगवन, आश्चर्य है और आश्चर्य से भी आश्चर्य है कि तुमने श्रवण का भूषण इस कथा को कहा। आत्म उदित जो वचन तुमने कहे वे परम विस्मय जनक हैं। हे भगवन, तुम धन्य हो, तुम महात्मा पुरुष हो, और चिरंजीवियों में तुम मुझको साक्षात दूसरे ब्रह्मा जान पड़ते हो। आज मैं भी धन्य हूँ कि तुम जैसे महापुरुष के मुख से इस प्रकार आत्मतत्व सुना। जैसे मैंने पूछा वैसे ही तुमने कहा। हे साधो, मैंने सब भूतल के लोक दिशाएं आकाश और पाताल के लोक भी देखे हैं। त्रिलोकी में तुमसा कोई बिरला ही होगा। जैसे बांस बहुत हैं पर मोती उपजाने वाला बिरला ही होता है, वैसे ही तुम जैसे बिरले हैं। हे साधो, आज मैं पूर्ण रूप हुआ, आज मेरी देह पवित्र हुई, जो तुम जैसे मुक्त आत्मा का दर्शन हुआ। हे साधो, अब सप्तर्षियों के बीच जाता हूँ, मेरी मध्यान्ह संध्या का समय हुआ है। जब मैंने ऐसा कहा तब भुसुंड कल्प वृक्ष से उठ खड़ा हुआ। उसने सुवर्ण का पात्र मोती और रत्नों से भरा और अर्घ्यपाद से पूजन किया, जैसे सदाशिव की पूजा करते हैं, वैसे ही उसने चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत मेरा पूजन किया और बहुत नम्र होकर प्रणाम किया। मैंने भी उसको प्रणाम किया। इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और आकाश मार्ग को चला। जैसे पक्षी उड़ता है वैसे ही मैं उड़ा और वह भी मेरे साथ उड़ा। परस्पर हम दोनों हाथ मिलाए, जब एक योजन पर्यंत चले गए तब मैंने उससे कहा, हे साधो, तुम अब यहाँ से लौट जाओ। इस प्रकार बारंबार कहकर मैंने उसको रोका और मैं चला गया। जब तक मैं उसको देख पड़ता रहा तब तक वह देखता रहा, जब मैं न दिखा तब वह अपने स्थान में जा बैठा। मैं सप्तर्षियों के मंडल में जा पहुँचा और अरुंधति ने मेरा पूजन किया।
हे राम, भुशुंड के आश्चर्यजनक वचन मैंने तुमको सुनाए। अब भी सुमेरु के शिखर पर उस कल्प वृक्ष की लता में वह कल्याण रूप वैसे ही स्थित है। वह शांति रूप मान करने के योग्य और सदा समाधिस्थ है। हे राम, यह मेरा और उसका समागम सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर हुआ था। अब सतयुग बीत गया और त्रेता युग चल रहा है जिसमें तुम उपजे हो। हे राम, अभी 8 वर्ष पहले मेरा और उसका फिर समागम हुआ था। वह उसी वृक्षलता पर है। हे राम, यह इतिहास जो मैंने तुमसे कहा है सो परम उत्तम है। जब इसको विचारोगे तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। मुनि वशिष्ठ और भुशुंड की कथा को जो निर्मल बुद्धि से विचारेगा वह भवरूप संसार के भय से छूट जाएगा। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुशुंड्योपाख्यान समाप्तिर नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे अनघ, यह जो मैंने तुमसे भुशुंड का वृतांत कहा इसे बोध करके भुशुंड महासंकट से तरा है। इस दशा को तुम भी आश्रय करके प्राणों की युक्ति से अभ्यास करो, तब तुम भी भुशुंड की भांति भव समुद्र से पार होगे। जैसे भुशुंड ने ज्ञान योग द्वारा पाने योग्य पद पाया है वैसे ही तुम भी पाओ। और जैसे प्राण अपान के अभ्यास से भुशुंड को परम तत्व प्राप्त हुआ वैसे ही तुम भी अभ्यास करके पाओगे। विज्ञान दृष्टि जो तुमने सुनी है उसकी ओर चित्त को लगाकर आत्मपद को पाओ। फिर जैसी इच्छा हो वैसा करो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, पृथ्वी में आपके ज्ञान रूप सूर्य की किरणों के प्रकाश से मेरे हृदय से अज्ञान रूपी तम दूर हो गया और अब प्रबुद्ध होकर अपने आनंद रूप में स्थित हुआ हूँ। मैंने जानने योग्य पद को जान लिया, मानो दूसरा वशिष्ठ हो गया हूँ। हे भगवन, यह भुशुंड का चरित्र आपने परमार्थ बोध के निमित्त कहा। अब मेरा प्रश्न यह है कि रक्त, मांस और अस्थि का शरीर रूपी गृह किसने रचा है, कहाँ से उपजा है, कैसे स्थित हुआ है और कौन इसमें स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, परमार्थ तत्व के बोध और दुख की निवृत्ति के अर्थ ये मेरे वचन हैं। सुनो, अस्थि इस शरीर रूपी गृह का खंभा है और इसके 9 द्वार हैं। रक्त मांस से जो यह लेपन किया है सो किसी ने बनाया नहीं, आभास मात्र है और मिथ्या भ्रम से भासित होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासित हो वैसे ही असत रूप यह शरीर भी भ्रम से भासित होता है। हे राम, जब तक अज्ञान है तब तक देह सत्य भासित होता है और जब ज्ञान होता है तब देह असत रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और जागृत काल में स्वप्न असत्य लगता है, वैसे अज्ञान काल में अज्ञान की देहादिक पदार्थ सत्य लगते हैं और ज्ञान काल में असत्य हो जाते हैं। जैसे जल में बुलबुला जल के अज्ञान से सत्य लगता है और जल के जाने से असत्य लगता है, यह सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी दिखती है, वैसे ही आत्मा में देह की भावना होती है। हे राम, जो कुछ जगत प्रपंच भासित होता है वह सब आभास मात्र है और अज्ञान से भासित होता है और अहं त्वंग आदि कल्पना सब मनोमात्र मन में फुरती हैं। तुम जो कहते हो कि देह अस्थि और मांस का गृह रचा है सो अस्थि मांस से नहीं रचा, केवल संकल्प मात्र है, संकल्प से भासित होता है और संकल्प के अभाव में देह नहीं पाई जाती। हे राम, स्वप्न में जो देह रखकर दिशा, तट, पर्वत इत्यादि तुम देखते फिरते हो, जागृत में वह तुम्हारी देह कहाँ जाती है। जो देह सत्य होती तो जागृत में भी रहती। जीव मनोराज्य से स्वर्ग को जाता है तथा सुमेरु और भूमिलोक में फिरता है। हे राम, इन स्थानों में जैसे मन फुरना देह होकर भासित होता है सो असत्य रूप है, वैसे ही यह शरीर मन के स्फुरण मात्र है, इससे असत्य जानो। यह मेरा धन है, यह मेरी देह है, यह मेरा देश है इत्यादि कल्पना मन की रची हुई है, सबका बीज चित्त ही है। हे राम, जगत को दीर्घ काल का सपना जानो या दीर्घ चित्त का भ्रम जानो अथवा दीर्घ मनोराज्य जानो,
वास्तव में जगत कुछ नहीं है। जब जीव अपने वास्तव परमात्म स्वरूप को अभ्यास करके जानता है तब जागृत असत्य रूप भासित होता है। हे राम, मैंने पहले भी तुमसे ब्रह्मा जी के वचनों से कहा है कि सब जगत मन का रचा हुआ है, इससे संकल्प मात्र है। चिरकाल के अभ्यास से सत प्रतीत होता है। जब दृढ़ प्रयत्न से पुरुष को आत्म अभ्यास हो तब असत्य जान पड़ेगा। हे राम, जो भावना हृदय से दृढ़ होती है उसका अभाव भी सुगम नहीं होता, पर जब उसके विपरीत भावना का अभ्यास करिए तब उसका अभाव हो जाता है। यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि कलना जो हृदय में दृढ़ हो रही है, जब इसके विपरीत आत्मभावना हो तब वह मिटे और सर्वत्र सब आत्मा ही देख पड़े। हे राम, जिसकी तीव्र भावना होती है वही रूप उसका हो जाता है। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री की कामना रहती है, वैसे ही जीव को जब आत्मपद की चिंता रहे तब वही रूप होता है। जैसे कीट भृंगी हो जाता है और जैसे दिन में जिस व्यापार का अभ्यास होता है तो रात्रि को स्वप्न में भी वही देख पड़ता है, वैसे ही जीव को जिसका दृढ़ अभ्यास होता है वही अनुभव होता है। जैसे सूर्य आकाश में तपता है और मरुस्थल में जल होकर भासित होता है पर वहाँ जल का अभाव है, वैसे ही भाव से रहित पृथ्वी आदि पदार्थ भ्रम से भाव रूप भासित होते हैं। जैसे दृष्ट दोष से आकाश में तारे मोर पुच्छ जैसे भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान से यह जगत जाल भासित होता है। हे राम, यह सब जगत आभास रूप है। स्वरूप के प्रमाद से जीव भय और दुख को प्राप्त होता है, पर वह जब स्वरूप को जानता है तब भ्रम भय और दुख से रहित होता है। जैसे स्वप्न में चित्त के भ्रम से सिंहों से भय पाता है और जब जागृत स्वरूप में चित्त आता है तब सिंह का भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से निर्भय होता है। जब वैराग्य का अभ्यास करके जीव निर्मल आत्मपद पा जाता है तब फिर क्षोभ को नहीं प्राप्त होता और राग द्वेष रूपी मल उसको नहीं स्पर्श करते। जैसे तांबा जब पारस के स्पर्श से सुवर्ण होता है तब वह तांबे के भाव को नहीं ग्रहण करता, वैसे ही जीव फिर मलिन नहीं होता। अहं त्वं आदिक जो कुछ भासता है वह सब आभास मात्र ही है। हे राम, प्रथम सत्य और असत्य को जानकर असत्य का निरादर करो और सत्य का अभ्यास करो, तब चित्त सब कलनाओं से रहित होकर शांत पद प्राप्त होता है। जो तत्व ज्ञान से सम्यक दर्शी हुआ है उसको जगत के इष्ट पदार्थ पाने से हर्ष नहीं होता और अनिष्ट को पाने से शोक नहीं होता। वह न किसी की स्तुति करता है न किसी की निंदा, वह हृदय में शीतल और शांत रूप हो जाता है। जब कोई बांधव मृतक हो तब उससे दुख क्यों होता है, वह तो अवश्य ही मरता। जब अपनी मृत्यु आवे तब अवश्य शरीर छूटता है, फिर वृथा क्यों संताप होता है। जब संपदा प्राप्त हो तो उससे उसे हर्ष नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भोगना था सो भोगा, हर्ष किससे हुआ। दुख आकर प्राप्त हो तब शोक क्यों करना। शरीर का व्यवहार सुख दुख आता जाता है और अमिट है। जब अपना किया कर्म उदय होता है तब शोक क्यों करे। हे राम, जो सत्य है वह असत्य नहीं और जो असत्य है सो सत्य नहीं, फिर राग द्वेष किस निमित्त करना। जिसको ऐसा निश्चय हुआ है कि न मैं हूँ, न जगत है और न पृथ्वी है, वह शोक किसका करे। जब देह अन्य है और मैं चैतन्य हूँ तो चैतन्य का तो नाश नहीं होता, तब शोक किसका करे। हे राम, दुख तो किसी प्रकार नहीं, पर जब तक विचार नहीं तब तक दुख होता है और विचार किए से कोई दुख नहीं रहता। जो सम्यक दर्शी मुनीश्वर हैं वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, इस कारण दुख नहीं पाता। जो असम्यक दर्शी हैं वह अज्ञान से दुख पाता है। जैसे दिन के अंत में पृथ्वी मंडल शीतल हो जाता है वैसे ही सम्यक दर्शी का हृदय शीतल होता है। जिसको कर्तव्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है वही सम्यक दर्शी है। हे राम, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो,
और निराभास होकर स्थित होवो। मैं चिदाकाश नित्य सर्वज्ञ और सबसे रहित हूँ, ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे। अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूँ, न ये भोग हैं, न अर्थ रूप जगत का आडंबर है। अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूँ, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूँ। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु यह भी कलंक रूप है, अतः इस चिंतना को भी त्याग कर निराभास हो। तुम चिदाकाश नित्य सर्वव्यापी और सबसे रहित हो, आभास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो। अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय करो। हे राम, क्रिया को करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित होगे तब उस उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे, जो सबका अधिष्ठान है उसको पाओगे। हे राम, जिसका हृदय राग द्वेष रूपी अग्नि से जलता है उसको संतोष वैराग्य आदि गुण नहीं प्राप्त होते। जैसे दग्ध भूतल के वन में हिरण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेषादिक युक्त हृदय में संतोषादिक नहीं प्रवेश करते।